Once again, welcome back to the channel everyone. My name is Sam और आप देख रहे हैं Riding with Peace. आज का जो content है वो बहुत ही useful होने वाला है bikers के लिए, चाहे वो bike ride करते हो, चाहे scooter ride करते हो, चाहे वो super bikes ride करते हो, हर किसी के लिए useful होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ cruise controller का जुगाड़. But ये जुगाड़ ना तो है 10 रुपए का coin, ना है कोई rubber और ना है किसी धागे की नोट कि हम उसे बांध कर और अपना क्रूज कंट्रोलर बना लेंगे. ये है प्रॉपर क्रूज कंट्रोलर जो मैं खुद लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ और मैंने अच्छे से इसे एक्सपेरिमेंट किया है. देन आज मैं इसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. आप चाहे आप सुपर बाइक चलाएं, चाहे आप नॉर्मल बाइक चलाएं, चाहे आप स्कूटर चलाएं, कोई कुछ भी चलाएं, ये आपके हर बाइक में फिट होने वाला है. और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ में ये आपका क्रूज कंट्रोलर रेडी हो जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा क्रूज कंट्रोलर आ गया जो ये बंदा दिखाने वाला है. मैं आपको बस थोड़ी सी देर में दिखाने वाला हूँ, प्रॉपर दिखाने वाला नहीं हूँ, आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि कैसे उसको बनाया जाएगा, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा. सो आजकल मैंने उत्तराखंड की राइड मैंने लास्ट मंथ की थी और उसके व्लॉग्स अपलोड किए हैं. आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे. प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करोगे कमेंट करोगे तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का और मन करता है. और प्लीज़ यार शेयर कर दो ताकि थोड़े बहुत सब्सक्राइब हो जाए. और न्यू इस चैनल पे जो लोग न्यू है प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा. तो चलो आते हैं अपने मेन कॉन्टेंट के ऊपर. तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक क्वेश्चन मार्क, एक नहीं दो क्वेश्चन मार्क हमारे राइड के लिए बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये क्रूज कंट्रोलर की बातें, फिर क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया? आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन मार्क. अब आपको मैं दिखाता हूं दूसरा क्वेश्चन मार्क. अगर इन दो क्वेश्चन मार्क को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये कुछ शेप ले लेता है इस तरीके की. काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि हाँ ये क्या है, कैसे कैसे यूज़ करना है. बट इसको प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ. आपको एक क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लेना है, दूसरा क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लेना है और दोनों को इस तरीके से प्रॉपर जॉइंट करके ना आपको आमने सामने एक होल करा लेना है. और उसके लिए ले लेना है एक नट बोल्ट. नट बोल्ट में क्या करना है अब आपको कि एक क्वेश्चन मार्क में कोई से भी क्वेश्चन मार्क ले सकते हो, उसमें आपको ये जो नट है इसको वेल्डिंग करा लेना है ताकि आपको इस तरीके से होल मिल जाए आर पार. और दूसरे में आपका ऑलरेडी होल है क्योंकि दोनों में आमने सामने कराया था. फिर जो इसका नट है, बोल्ट का जो नट है, उसके ऊपर आपको ऐसी छोटी सी गोल सी राउंड एक पत्ती वेल्डिंग करा लेनी है ताकि आपको क्या करना होगा कि जिस तरफ ये बोल्ट है उसको ऐसे जॉइंट करके दूसरी तरफ से इसको डाल के आपको टाइट करना है. अब ये हो गया इस तरीके से शेप में. अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है. तो मैं इस चीज को 1 साल से यूज कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छे से यूज किया है, तभी आपके लिए साथ में शेयर कर रहा हूँ. जो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं अभी आपको बाइक के ऊपर समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि इसे यूज़ करते टाइम 2-3 तरह के नुकसान हो सकते हैं हमारे साथ में, वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जिसके नीचे बोल्ट लगा हुआ है उसको आपको नीचे लगाना है. देन सेकंड वन को क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है. और इसको हम कवर कर देते हैं इस तरीके से, इस तरह से लगाते हैं इसको. और इससे इसको कस देंगे. ओके, तो अब ये हमारा इस पर सेट हो चुका है. तो अब क्या करना है, हमें इसको इतना टाइट करना है कि इसको इजीली हम ऐसे नीचे कर सकें. अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर देते हो तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ. ज़्यादा टाइट कर देते हो तो आपका ये ऐसे ऑटोमेटिकली अटक जाएगा, बट आपको इतना नहीं करना है, आपको इसे लूज ही रखना है.
ताकि सिर्फ आपका ये एस्केलेटर होल्ड कर सके। सिर्फ उसको उतना ही टाइट करना है कि ये आपका एस्केलेटर मूव हो सके, उसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। सो अब आपको क्या करना है, ये आपकी रेस हो गई और ये आपका पोर्शन जो है वो आपका ब्रेक लीवर पे होल्ड हो रहा है, तो आपको इसे उठाना है। सिर्फ एक उंगली से इसको नीचे दबाना है और आपको इसको छोड़ देना है। तो आपका ये इस टाइम पे एस्केलेटर होल्ड हो गया और जितनी आपकी स्पीड है ये प्रॉपर उतनी मेंटेन रहेगी। देन आपको अगर इसको रिलीज़ करना है तो सिर्फ आपको इसको हल्का सा मूव करना है, आपकी जो एस्केलेटर है वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अगेन आपको करना है सिंपल एक उंगली और ये सेट और छोड़ देना है आपको। सो ये है सिर्फ आपका क्रूज़ कंट्रोलर जो आपकी हर बाइक में इंस्टॉल हो सकता है और मैक्सिमम 50 रुपीज़ की उसमें ये आपका बन जाएगा। बस आपको वेल्डिंग वाले के पास जाना है और आप उसको ये सिर्फ डेमो दिखा देना। मैं इसकी प्रॉपर फोटोग्राफ्स लेके व्लॉग्स के एंड में डाल दूंगा ताकि ये बनवाने में आपको इजी रहे और आप इसे हर बाइक में यूज़ कर पाए। तो अगर आपको इसे बाइक चलाते हुए देखना है तो मेरे काफ़ी व्लॉग्स बने हुए जिसमें मैंने अपने हैंड्स को छोड़ा हुआ है। सो जो बाइक जो ऑटोमेटिकली चल रही है वो सिर्फ इसी क्रूज़ कंट्रोलर की वजह से चल रही है। तो आप इसे जाएँ बनवाएँ और लॉन्ग राइड में इसका फ़ायदा लें। बहुत ही चीप प्राइस में ये आपका बन जाएगा। आप इसे यूज़ करें, यूज़ करने के बाद कमेंट करें कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा। और सेकंड चीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और जो ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स हैं लाइक कर दो, कमेंट कर दो ताकि इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं वीडियोस बनाता रहूं। इस तरीके का काफ़ी कंटेंट है मेरे पास जो मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ व्लॉग्स के थ्रू। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।